तो मुझे लगता नहीं साथ लड़ेंगे जी। बाकी राजनीति में कुछ भी कहना जी, कुछ जल्दबाजी होगा। बेल्ट पेपर पे चुनाव हो जी, ये ईवीएम वगैरह पे चुनाव ना हो। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जनता से बेहतर संवाद कर सके जी। और इस गपले की वजह से तो फिर वही आएंगे जो अब इस देश पे हैं। ये जो गठबंधन रहे जी, ये ना ही रहे तो बेहतर है जी। नमस्कार, मेरा नाम है संजय तरंगाधारी, आप देख रहे हैं हरियाणा आज। बात की जाए 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें जनता किसकी सरकार बनाना पसंद करेगी, बात करेंगे जींद के निवासियों से, जींद के लोगों से। हम आपको लेकर चलते हैं, हम खड़े हैं जींद के मशहूर तांगा चौक पर और यहाँ से हमारे साथ जींद के समाज सेवी जुड़े हैं मिस्टर सुनील वशिष्ठ जी। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है उनका मन। सुनील जी नमस्कार, कैसे हैं? एक मिनट चश्मा साफ कर। सुनील जी नमस्कार, कैसे? नमस्कार संजय भाई जी। 2024 की रणभेरी का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो जनता का क्या मन है, क्या भाजपा और जेजेपी को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? जैसे पिछली बार ये परिणाम आए थे जी, भाजपा को कोस कर ही जेजेपी को वोट मिले थे जी। उस पे जाएं जी तो मुझे लगता नहीं साथ लड़ेंगे जी। बाकी राजनीति में कुछ भी कहना जी, कुछ जल्दबाजी होगा, अभी 1.5 साल पहले चुनाव पड़े जी। बात की जाए, आपने सही कहा कि भी राजनीति में कुछ भी हो सकता है और मैच में कुछ भी हो सकता है। बात की जाए, अभय चौटाला की पदयात्रा निकली हुई है, क्या इनेलो पार्टी को अभय चौटाला की पदयात्रा से फायदा होगा? देखो, फील्ड पे उतरने का निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को नुकसान किसी को नहीं होता जी। अब राहुल जी ने यात्रा की है, बट नेचुरल कांग्रेस को फायदा हुआ है जी। पहले अपोजिशन का काम है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और जनता को जोड़ना जी। आपने राहुल गांधी का नाम लिया है, क्या राहुल गांधी की भाज जोड़ यात्रा और आर बहरा चली हुई है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का क्या फायदा होगा? देखो, मैं एक आम जन के तौर पर कह सकता हूँ, विपक्ष यदि जनता के पास जाएगा जी, जनता के मुद्दे उठाएगा जी, तो जनता का तो फायदा होता ही है, विपक्ष को भी फायदा होता ही जी। बात की जाए, हरियाणा के अंदर मान लो कि भी चुनाव होते हैं और भाजपा की सरकार आ जाती है, तो मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे आप? खट्टर साहब को क्या नया चेहरा? नया चेहरा भी हमें इन 40 MLO में तो कोई नया चेहरा भी नजर आता है जी। बात की जाए कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेगी जींद की जनता? अभी क्या बताएं, देखो ये पार्टियों का मामला है। व्यक्तिगत मत हम जाने तो किसकी सरकार देखना पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जनता से बेहतर संवाद कर सके। मैं एक जागरूक जनता के तौर पर ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो जनता के साथ बेहतर संवाद कर सके, उनकी भावनाएं समझ सके। बात की जाए, भाजपा जसपा जो गठबंधन सरकार है मौजूदा, इसको आप 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? संवाद के हिसाब से तो देखो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, जनता से संवाद नहीं कर पाते ये जी। और जनता से जो सही मायने में जो समस्याएं हैं उन पे काम नहीं हो पा रहा, भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया जी। बात की कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से? नंबर में नंबर देने वाला कोई नहीं, दाम तो वोट देंगे जी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जींद से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील वशिष्ठ, जिनका कहना है कि बात समय की है, समय पर देखा जाएगा कि किसकी सरकार आएगी। और हाँ, सरकार जनता परिवर्तन जरूर चाहती है, इनका कहना है कि जो बहरहाल जो गठबंधन की सरकार है उससे खुश नहीं है हरियाणा की जनता, जींद की जनता। अब देखना ये है कि जींद की जनता किसको अपना सिरमौर बनाती है, किसके पाले में गेंद डालती है, किसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाती है। जींद से व्यापारी हैं हमारे साथ जुड़े हैं चरणजीत डंडा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, व्यापारी होने के नाते, एक शहरी नागरिक होने के नाते, किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? नमस्कार जी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। चरण जी, 2024 में चुनाव होने की तैयारियां हैं, तो किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप 2024 के अंदर? देखिए, 2000 का जो चुनाव है ना जी, वो किस तरह हो, सबसे पहले तो ये सवाल है जी। मेरी पहले तो मांग ये रहेगी कि बेल्ट पेपर पे चुनाव हो जी, ये ईवीएम वगैरह पे चुनाव ना हो जी, क्योंकि मेरा साफ साफ मानना है कि इसमें पूरी घपला है जी। और इस घपले की वजह से तो फिर वही आएंगे जी, जो अब इस देश पे हैं जी।
बात की जाए हरियाणा की राजनीति की, हरियाणा में बहरहाल जजपा और भाजपा का गठबंधन है, क्या जींद की जनता या हरियाणा की जनता ये चाहती है कि दोबारा फिर से गठबंधन हो या भाजपा को अकेले चुनाव लड़े? देखिए, जींद की जनता तो क्या, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा की जनता ये नहीं चाहती कि ये जो गठबंधन रहे जी, ये ना ही रहे तो बेहतर है जी, क्योंकि इसके गठबंधन में बड़े गंदे खेल खेले जाने लग रहे हैं जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि नहीं चाहेंगे इस सरकार को, चाहे वो अकेली जजपा लड़ ले चाहे वो अकेली भाजपा लड़ ले जी। मेरा तो मन ये कह रहा है कि इनका विनाश हो जी। बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की थी और अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चली हुई है कांग्रेस द्वारा, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो बड़ा लंबे समय के बाद विपक्ष थोड़ा सा एक्टिव मूड में दिखा है जी। हालांकि कुछ विपक्ष ने पहले भी कराया हुआ शोर शराबा जी, लेकिन ये जो मीडिया है ना जी, ये दबी हुई है बुरी तरह जी, ये विपक्ष के काम को नहीं दिखा रही थी जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो ये यात्रा हुई थी ना, भारत जोड़ो यात्रा जी, इसे कांग्रेस को फायदा बड़ा जबरदस्त होगा जी। और लोगों में ये भी पता लग गया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ निकली है ना जी, वहाँ अपनी आंखों से खुद देख लिया, क्योंकि मीडिया ने कुछ भी दिखाया जी। तो मेरा ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा बहुत होगा जी। बात की जाए क्या कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई नया चेहरा हो? नहीं, मेरा ये मानना है कि कोई एक आदमी पर फोकस ना करे जावे जी, ये तो जनता चुने जी, और चुन के उनमें से कितने अच्छे लोग आते हैं जी, उनमें से कोई नाम हो जी। अभय चौटाला की पदयात्रा चली हुई है, क्या अभय चौटाला की पदयात्रा से इन लोगों को फायदा होगा? बड़ा जबरदस्त जी, क्योंकि उसके पीछे एक और चीज जुड़ी हुई है, उसका त्याग, जो सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला है हिंदुस्तान में, भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विधायक सांसद राज्यसभा लोकसभा है, MLC हैं, हरियाणा की हम लगाएं तो 90 विधायक हैं, 10 लोकसभा सदस्य हैं और 5 राज्यसभा हैं जी। तो उनमें से एक ही इंसान ऐसा था जो किसान आंदोलन के लिए खड़ा हो गया जी। और देखिए, एक ही मात्र विधायक था उसकी पार्टी का जी। और उसको पता था कि बहुत नकमे और नकारा लोगों की सरकार है, दोबारा क्या पता मौका ना दे बनने का जी, क्योंकि षड्यंत्र कुछ भी कर सके थे जी। तो उसकी हिम्मत की दाद दूंगा मैं कि उसने किसान आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दिया जी। एक तो वो इसका फैक्टर काम आएगा जी। और दूसरा, जो इस समय पद यात्रा चली हुई है उसकी, अभी चौटाला जी की, तो मेरा ये मानना है कि उसका हरियाणा में उसको बहुत लाभ मिलेगा जी। बात की जाए कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरे मोर्चे या तीसरे मोर्चे के साथ आना चाहिए या अकेले आना चाहिए? देखिए, संगठन के तौर पर हिंदुस्तान में भले ही BJP तो कुछ दिन का उछाल है जी, लेकिन अगर मजबूत और पुराना संगठन है तो कांग्रेस पार्टी का है जी। और कांग्रेस पार्टी को है ना, तमाम जितनी भी पार्टी हैं विपक्ष की, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो जी, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। और तभी, और एक मांग और कर देनी चाहिए सब विपक्षी पार्टियों ने कि भाई चुनाव में पार्टिसिपेट जब करेंगे जी, जब हम बेल्ट पेपर से चुनाव लड़वाएंगे जी। मौजूदा सरकार को 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे आप? बस जितनी जीरो लगा उतनी कम है जी, क्योंकि इनका कोई नंबर नहीं है जी। ये लोग तो लोगों के अंदर जहर फैलवाने का काम करते हैं, चाहे वो जाति से ले लो चाहे वो धर्म से ले लो जी। इनका तो एक प्रयास है, क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा में इनका सर्वनाश होना है, तो इनका एक प्रयास शुरू हो रहा है। जैसे 2012-13 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे ना जी, वो था पार्ट 1 मुजफ्फरनगर दंगों का जी। अब मेरे ख्याल से इनके मूड में एक बीमारी घुस चुकी है कि भाई जो ये 35-1 का नारा था, ये भी इनका कहीं कहीं पीछे चला गया जी। इसका भी नहीं इनको असर मिलेगा अब, लेकिन अब ये पार्ट 2 मुजफ्फरनगर दंगों के रूप में पार्ट 2 हरियाणा दंगे करवाने की योजना है, और इसका हमें कुछ दिन से हलचल दिखाई भी दे रही है। जैसे वो भिवानी के पास कांड करवा दिया एक जी, जैसे अभी एक सोनीपत के अंदर एक धार्मिक जगह पर झंडा फहरा दिया जी, जैसे हमारे जींद के अंदर किले के ऊपर एक नालायक इंसान ने कुछ हमारा सद्भाव समाप्त करने का प्रयास कराया, भाईचारा समाप्त करने का प्रयास कराया। हालांकि हम तो देखो दड़े के ऊपर हमारे सभी हैं, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लेकिन हमारा कभी विवाद नहीं देखा मैंने जी। लेकिन ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से
कि कहीं ना कहीं दंगे भड़कवाने की एक साजिश है। तो मैं एक अपील और करूँगा हमारे हरियाणा की जनता से कि ये जो इस तरह के लोग हैं ना, उनकी एक पहचान है, उनकी पहचान है एक तो जय श्री राम जी। ये समझ लो आज जो जय श्री राम बोल रहे हैं ना वो दोगला है जी। एक जो गड़ में ये मफलर पहन रहे हैं ना, पटक्का पहन रहे है कोई लाल पीला रंग का, वो भी समझ लो षड्यंत्रकारी है जी। तो इन दो जय श्री राम और पटका वाले ने पीट लो, जड़ेंगे मिले इन इस चुनाव तक बजा लो तो हरियाणा में बड़ा बढ़िया शानदार चुनाव रहेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिनके व्यापारी चरण सिंह ढांडा, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार और जेजेपी सरकार से नाराज हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि परिवर्तन चाहती है जींद की जनता, हरियाणा की जनता, और कांग्रेस की उम्मीद इनको लगती है कि अगर कांग्रेस आए तो हरियाणा का कुछ अच्छा भला हो सकता है। इन लोगों की पदयात्रा को भी इन्होंने सराहा है। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है और ये गेंद किसके पाले में जाती है और किसके सर पर सजता है हरियाणा के मुख्यमंत्री का ताज। मैं अपनी सहयोगी बबीता के साथ जींद से संजय तरंगाधारी।